जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना चीनू सैदपुर एक बार फिर आपके साथ। दोस्तों आपको सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, इससे पहले जो हमने वीडियो अपलोड की है चैनल पे जाइए प्लीज़, वो चैनल को सब्सक्राइब करिए या मत करिए, पर इससे पहली जो वीडियो है वो ज़रूर देख लें आप। इससे जो पहले अपलोड किया हमने एक घंटा पहले वीडियो, जो उसे ज़रूर देखें आप, क्या है उसमें। अब दोस्तों मुद्दे पर आते हैं हम कि NCCC वालों के कितने सिलेक्शन हुए। दोस्तों कुछ भाइयों के फ़ोन आए हैं, मैं आपको क्लिप दिखा रहा हूँ, पहले क्लिप देखेगा आप वीडियो में, उसके बाद आप सजेशन करिएगा, उसके बाद आप कमेंट्स करने की कोशिश करिएगा, उसके बाद आप बताइएगा कि NCC वालों के सिलेक्शन हुए, कितने हुए, कैसे हुए, क्या हुए। मैं हरप्रीत सिंह मुजफ्फरनगर का निवासी हूँ। मेरे पास NCC का सी सर्टिफिकेट था, बी ग्रेड से पास था, मेरा आर्मी में नंबर नहीं आया, मेरा सिलेक्शन मेरिट में फाइनल मेरिट में नाम नहीं आया, जबकि बटालियन से हमारा वैलिड होके गया हुआ है, बिल्कुल एक बार नहीं बकायदा दो तीन बार गया हुआ, हमें प्रूफ भी दिया है बटालियन ने, हमने प्रूफ लिया हुआ है, और मैं इस वीडियो के अंत में मैं प्रूफ भी शो करूँगा अपने NCC का सी सर्टिफिकेट में शो करूँगा। बताइए इस चीज़ का जिम्मेदार कौन है, हमने 3 साल NCC की है, हमें तो बेनिफिट नहीं मिला, इस चीज़ का कौन जिम्मेदार होगा, हमें जवाब चाहिए। हमें अगर हमारी गलती है तो हम एक्सेप्ट करेंगे, तो हमें गलती भी पता होना चाहिए, हमारी गलती कहाँ रही है, हमने बिल्कुल टाइम से किया है, बिल्कुल ग्राउंड फिट थे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा नाम अखिल दीक्षित है और मैं बुलंदशहर जिले का निवासी हूँ। मैंने इस बार आर्मी भर्ती में अपना सी सर्टिफिकेट NCC सर्टिफिकेट लगाया था, लेकिन उसके बाद भी मेरा सर्टिफिकेट अप्रूव नहीं किया गया। ये रहा मेरा सर्टिफिकेट NCC सर्टिफिकेट, और ये रही वो वेरिफिकेशन जो ARO से मेरी यूनिट के लिए आई है, और ये रही वो वेरीफाई होकर जो यूनिट वालों ने वेरिफिकेशन करके वेरीफाई करके भेजा है, इसके बाद भी मेरा मेरिट में नाम नहीं आया। दोस्तों आप लोगों ने क्लिप देख लिया होगा, ये दो भाई हैं और 3 भाई ऐसे हैं जिनके हमसे संपर्क नहीं हो पाए हैं। दोस्तों इनके 72 नंबर का फिजिकल है, 72, 74, 74 नंबर का फिजिकल है। दोस्तों ऐसा क्या हुआ कि इनका NCC में सिलेक्शन नहीं हुआ, इन भाइयों से ज़बरदस्ती पेपर दिलाया गया था, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं ये जवाबदारी ये भाई चाहते हैं आर्मी ऑफिसरों से या आर्मी से कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया। दोस्तों इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं, इनके साथ गलत हुआ या सही हुआ ये भी आप कमेंट्स में बताइए, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि इनके साथ बहुत गलत हुआ। इन्होंने 3 साल अपने, जैसे 3 साल पहले बच्चा बी लेता है उसके बाद सी लेता है, 3 साल NCC में बच्चा गवा देता है, और उसके बाद भी अगर उसका आर्मी में किसी वजह से NCC सर्टिफिकेट होने के बाद भी सिलेक्शन रह जाता है, तो दोस्तों कितना जोर पड़ता है, आप लोगों को पता है, सभी को पता है, जिनका NCC होल्डर है आप सभी को पता है कि कैसे NCC का सी मिलता है। एक सिपाही तैयार होता है NCC का सी मिलने तक, एक सिपाही तैयार होता है NCC का सी मिलने तक, कोई फौज की ट्रेनिंग करता है 1 साल, कोई फौज की ट्रेनिंग करता है 9 महीने, कोई फौज की ट्रेनिंग करता है 18 महीने, लेकिन NCC का सी जब मिलता है तो सी मिलने तक वो एक फौजी तैयार हो जाता है, एक सिपाही तैयार हो जाता है NCC सी बनाने में। तो दोस्तों फिर भी उनका सिलेक्शन ना हो तो उनके दिल से पूछ के देखिए कि कैसी उन पर बीतती है। देखो बीतती तो सब पे है, जिसका नंबर नहीं आया है, जो भाई सिलेक्शन नहीं हो पाए हैं उन पर सब पे बीतती है, गलत बीतती है, बहुत बुरा हुआ, बहुत अच्छा नहीं हुआ, बहुत ही गलत हो रहा है, पर उनसे पूछ के देखो जो NCC रह गए हैं। तो दोस्तों इसकी जवाबदारी हम भी चाहते हैं और सभी चाहते हैं, और इसकी पता करना चाहते हैं कि क्यों उनका सिलेक्शन रहा, प्लीज़ हमें अगर कोई इसका बता सके तो इसका सोल्यूशन ज़रूर निकाले, इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, इन्हें ज़रूर इंसाफ मिलना चाहिए कि पता लगनी चाहिए कि इनका सिलेक्शन क्यों रहा, जबकि इनके पास पूरा NCC का सी सर्टिफिकेट है और कागज़ हैं, वेरिफिकेशन है, फिर भी इनसे एग्ज़ाम दिलाया गया था, इनसे एग्ज़ाम दिलाया गया था, क्यों दिलाया गया था एग्ज़ाम, जब 26 तारीख की इनसे डेट लिखी थी आर्मी ने, और इन 28 तारीख की लास्ट डेट दी थी, और 26 में इन्होंने अपने 18 में इन्होंने अपने कागज़ जमा करा दिए थे, कागज़ क्यों नहीं चढ़े, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आर्मी के अधिकारी ये बता दें कि भाई इनका सिलेक्शन इस पेज पे नहीं हुआ। देखो हमें नहीं बताना, उन बच्चों को तो बता सकते हैं, ये तो एक वीडियो एक माध्यम है, इस चीज़ का माध्यम है कि आप लोग बताएं कि ऐसा क्या हो रहा है अंदर, जो NCC वाले का भी सर्टिफिकेट, NCC वाले का भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। दोस्तों आप कमेंट्स में बता सकते हैं, और शाम को हम मेरठ जा रहे हैं, अभी थोड़ी देर में मेरठ जाने के बाद हम आपको बता देंगे कि कब आपको जाना है, और शाम को हम डॉक्यूमेंट्स की टोटल वीडियो
और वेरिफिकेशन की कल को या शाम को, डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या लेके जाने हैं शाम तक आपको जानकारी देते हैं इस चीज़ की। तो दोस्तों आप वीडियो के अंत तक बने रहे और इसमें कमेंट्स करके बताएं, और जो चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करें अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी हो तो बिल्कुल भी सब्सक्राइब ना करें, क्योंकि हम फैमिली जोड़ना चाहते हैं, सब्सक्राइबर नहीं, आप हमारी फैमिली हो, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।